जी, त्योहारों का दिन चल रहा है और आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि होली जैसा त्यौहार बहुजन समाज के लोगों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, और नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए, और होली का क्या इतिहास है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। देखिएगा, जहाँ तक सीधा सीधा आपका सवाल है कि भाई होली का त्यौहार इतिहास से भी मैं जानना चाहूँगा, वो भी मैं बताता हूँ जी कि होली का त्यौहार बहुजन समाज का है या नहीं है जी, मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए जी। तो मेरा मानना है और कहना है जी, और समाज को सलाह और समझाने का तरीका है कि भाई होली का त्यौहार हमारा नहीं है, क्योंकि इस दिन तो हमारे जो होलिका हरदोई, जो आज शहर है, हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप हुआ करते थे, वो अंधविश्वास और पाखंड से बहुत दूर थे। तो इसी तरह जो आज माहौल बना हुआ है, धर्म के आधार पर कहीं किसी का कत्ल कर देते हैं, कहीं किसी की जान ले लेते हैं, कहीं किसी को मार देते हैं, कहीं किसी को पीट देते हैं, ऐसे ही उस दौरान भी माहौल था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप राजा थे, उनकी बहन होलिका भी उन्हीं के सिद्धांतों पर थी, लेकिन इन्होंने जो उनका बेटा था उसको ये कहकर के कि ये कुछ नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं हिरण्यकश्यप, और उन्होंने होलिका की गोद में बिठा करके और उसमें रख दिया। इस तरह से आग के लकड़े लगा करके और उसमें जला के मार दिया। तो जिस दिन हमारी, अगर हम उस दौरान इनकी गीता के मुताबिक, अगर जैसे गीता में लिखा गया कि भाई जन्म जन्मांतर का साथ है, तो 84 लाख ही उंगलियां होती हैं, तो अगर मान लीजिए जिस दौरान होलिका रही, राजा हिरण्यकश्यप रहे, उस दौरान भी यदि हम उसी कुल वंश के रहे हों, तो उस दौरान तो हमारी बुआ लगी, बहन लगी, उसको इन्होंने जला दिया, और आज टीका लगवा करके हम में से जो अज्ञान लोग हैं, इस इतिहास से अनजान लोग हैं, वो लोग टीका लगवा करके और ये लोग टीका लगा करके हमको अपमानित और करते हैं। इसलिए हमें ये त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। उस दिन तो हमारा इन्होंने इतिहास को, हमारे परंपरा को नष्ट करने का काम किया था जी। इसलिए ये त्यौहार हमारा नहीं है। वैसे भी देखो ना, इन्होंने त्यौहार बांट लिए, चार त्यौहार मुख्यतः है भी। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन कह दिया कि भाई ये तो पंडित जी का त्यौहार है जी। हमारा किसी पंडित जी से द्वेष भाव नहीं है जी। हम भी आज साफ सुथरे रहते हैं बाबा साहेब की धन के बदौलत, तो आज हम भी सीख गए कि हाँ भाई साफ सुथरा रहना चाहिए। तो जितना साफ सुथरा रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो वो तो मेरे जो सर्वोपरि है, ब्राह्मण समाज ने ले लिया जी। दूसरे नंबर पे जो ये दीपावली है, उसको जो है इन्होंने ले लिया वैश्य वर्ग ने जी। अरे भाई, दीपावली पे मेरे बहुजन समाज का तो दिवाला निकल जाता है, और दीपावली मनती है तो मेरे वैश्य वर्ग की मनती है, क्योंकि खरीदारी करने धनतेरस, अरे उस दिन तो लोग, मेरे समाज के लोग धन नष्ट कर आते हैं, खर्च कर आते हैं, तो उनका धन इकट्ठा कहां हुआ। तो ये त्यौहार उन्होंने ले लिया। अब आता है दशहरा, ओहो वो मूछों वालों का त्यौहार है, क्षत्रियों ने बांट लिया, हथियारों की पूजा करते हैं, और सबसे जो निखद त्यौहार है कि कीचड़ में रखेंगे, काला मुंह कर देंगे रंगों से, वो त्यौहार शूद्रों के हाथ सौंप दिया। तो हमें अब, हम ना तो शूद्र रहे हैं, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शूद्र ना रहें, बाबा साहेब के दिए हुए सिद्धांतों के आधार पर, की हुई मेहनत के आधार पर, हम उन परंपराओं से दूर रहें, और हम ये होलिका से, होली मनाने के त्योहार से कोसों दूर रहें, सोचें नहीं, अपना अध्ययन करें। अगर किसी को एग्जाम देना है, वो एग्जाम की तैयारी करें, किसी कोई ऑथर है तो वो अपनी किताब लिखे, अगर कोई और कुछ करना चाहता है तो वो अपना आर्टिकल लिखे, अध्ययन करे, बाबा साहेब की किताबों को पढ़े, और सबसे बढ़िया अगर वो इस दौरान, इस दिन में मान्यवर कांशीराम साहब की लिखी हुई किताब चमचा युग को पढ़ लें,
तो कल्याण हो जाएगा।